What's up guys? आज हम देखने वाले हैं विराट कोहली सेंचुरी, केएल राहुल कमबैक, दिल खुश कर दिया। राहुल पाहुल वाली है भाई की वीडियो है, मैं राहुल कह रहा था, केएल राहुल ने अच्छा करा यार कल। तो देखते हैं, मीम्स भी होंगे और एक मैच का विश्लेषण भी होगा। तो करते हैं शुरू, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, वन टू थ्री गो। नहीं भाई नहीं, हराएंगे ये सोचा था, लेकिन इतना बुरा मारने वाले हम ये नहीं सोचा था भाईजान। वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स, बेस्ट ओडीआई बैट्समैन, नंबर वन ओडीआई टीम को हमने ऐसा हराया, उससे अच्छा तो नेपाल खेल गई थी उस दिन हमारे साथ। ये था भाई असली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। रोहित ने भी 50 मारी, शुभमन ने भी 50 मारी, विराट ने आके सेंचुरी मार दी, केएल राहुल की भी सेंचुरी से कमबैक हो गई, और जो बची खुची कसर थी वो अपने बॉलर्स और कुलदीप यादव ने मिलकर पूरी कर दी। एंड सोने पे सुहागा, प्राइम फॉर्म में बाबर आजम भी इंडिया के सामने रन नहीं बना पाया। पिछले हफ्ते देखो मैच पूरा नहीं हुआ था और इस बार दो दिन चला है, लेकिन ये बारिश की वजह से जो डिले हुआ है ना, एंड में जाके उसका हर एक मिनट वर्थ इट लगा मुझे तो। एटलीस्ट हम इंडियन फैंस के लिए तो देखो वर्थ इट था। बाकी कुछ लोग बहाने दे सकते हैं कि बारिश की वजह से डिले हुआ इसलिए टीम हार गई। यार बाबर आजम ने टॉस के टाइम कहा था कि पाकिस्तान ने श्रीलंका में ज्यादा मैचेस खेले, इसलिए उनको इस मैच में इंडिया से ज्यादा एडवांटेज है। अच्छा अभी एडवांटेज था तो 128 बने हैं जाके, ये भी नहीं मिलता तो ये तो 49 वाला आरसीबी का रिकॉर्ड ही तोड़ देते। देखो इतना तो तय है, इस मैच में प्रूफ मिल गया है कि असली किंग कौन है और असली बाप कौन है और बेटा कौन है। 228 रन से जीता है मैच, ODIs में फॉलो ऑन होता तब भी ना बन पाते शायद इनसे। और मैं तो मानता हूँ ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं वॉर था पूरा। एंड में उनके तीन प्लेयर जख्मी होके गए और हमारी पूरी टीम फॉर्म में आ गई है। भाई खुद सोचो यार, एक दिन ठीक होता है लेकिन इनके बॉलर्स को विराट और राहुल ने दो दिन लगातार रन मारे, इतनी कुटाई कौन करता है ना शाहीन भाई। लेकिन भाईजान पेस इज पेस यार, जब से तू मिला ना अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। और यार ठीक है, देखो मजाक से हट के जेन्युइनली दिल खुश कर दिया यार कोहली ने। इतनी सारी प्यारी प्यारी आइकॉनिक शॉट्स एक ही साथ एक ही मैच में देखने को मिली, और वही पुरानी ओल्ड अग्रेसिव रनिंग जंपिंग सेलिब्रेशन। मतलब जब विराट की सेंचुरी हुई और ये सेलिब्रेशन आई, देख के सच में लगा यार कि वो ओल्ड अग्रेशन और वो ओल्ड कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, और अब इस बंदे को ना वर्ल्ड कप लाने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी, वो जुनून दिख रहा था भाई बंदे में। इतने रिकॉर्ड बनाए हैं और तोड़े हैं, इस मैच में 13,000 रन्स भी कंप्लीट कर लिए, इन सबको ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। तो जो जो मुझे मिला मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, तुम लोग पढ़ लेना भाई, क्या क्रेजी इनिंग्स थी। बताओ विराट ने इनके प्लेयर्स के साथ दो तीन फोटो क्या खिंचा ली हंस खेल के, इनको लगा अब्बू बख्श देंगे। पिछली बार ईशान किशन के साथ जो हुआ था उसका पूरा बदला लिया है किंग कोहली ने मैच में। और यार विराट को मैन ऑफ द मैच भी एकदम परफेक्ट मिला, मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर था। एक सेकेंड, कोई आया है? बेल बजी। अरे शेट्टी साहब आप, अरे सॉरी 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 सॉरी, जोक्स के लिए प्लीज पक्का आपसे खेल राहुल पे कोई जोक नहीं बनाऊंगा प्लीज। राहुल भी बहुत अच्छा खेला, सबसे बेस्ट खेला, मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता था, प्लीज प्लीज करो करो राहुल की भी तारीफ करो पक्का पक्का। दोस्तों मैं स्पेशली आके केएल राहुल से माफी मांगना चाहता हूँ, मैं गलत था, मुझे उनपे जोक्स नहीं बनाने चाहिए थे, राहुल भाई बहुत अच्छा खेले आज। भाई मान गए यार केएल राहुल को, मान गए। मैंने ही सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि श्रेयस को कैसे बाहर कर सकते हो और राहुल को कैसे डाल दिया टीम में एकदम से। पर भाई इंपॉर्टेंट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी, वो भी इंजरी से कमबैक करते हुए। मतलब इस बंदे ने पिछले दो साल में जितने भी मीम्स और जोक्स बने हैं इस पे, उन सबको एक ही बारी में चुप करा दिया इस इनिंग से। और मेरे को दिख गया था तुम सब मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे थे केएल राहुल को सॉरी बोलने के लिए, लेकिन देखो मैं अकेला नहीं फंसूंगा, तुम लोग भी उन जोक्स पे उतना ही हंसे हो जितना मैं हंसा हूँ, ठीक है? मेरी गलती है। तो अब ऑफिशियली टाइम आ गया है कि भाई हम केएल राहुल को ये अपॉलोजी लेटर सेंड करें। ये अपॉलोजी लेटर मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और सब केएल राहुल को ये भेजो, मैंने भी भेज दिया है, और फिर मुझे स्टोरीज में टैग करना। देखो इतना अच्छा खेला यार, इतना तो करना बनता है। और इंस्टाग्राम पे आ ही रहे हो तो फॉलो भी कर लेना, 20 के हो जाएंगे यार आज। कमबैक ऐसा करो कि 4 लाख लोग तालियां मारे सिवाय एक के। देखो यार श्रेयस भाई के लिए बुरा तो लगता है, आई मीन थोड़ा अनफेयर है यार, एक ही मैच हुआ था और डॉक्टर रोहित शर्मा ने फिर डायग्नोस कर दिया कि श्रेयस ये अगला मैच नहीं खेल सकते। और देखो ऑनेस्टली बोलू श्रेयस भाई, तो टीम अच्छी बैलेंस लग रही है ऐसे, मतलब 4-5 पे भी कोई दिक्कत नहीं, केएल राहुल और ईशान किशन अच्छा संभाल रहे हैं। तो श्रेयस भाई एक बार चेक वेक करो ना, अपनी बैक में थोड़ा सा दर्द तो हो रहा होगा अभी भी, आपको इतना रिस्क नहीं ले सकते, आप थोड़ा रेस्ट करो, रील्स बनाओ। आप हो बिग मैच प्लेयर, इट इज क्रेजी भाई की इंडिया 3 दिन लगातार मैच खेलने वाली है, और राहुल और विराट 2 प्लेयर हो सकते हैं जो 3 दिन खेले, इसलिए आई थिंक राहुल क्योंकि इंजरी से वापस आ रहे तो उसको रेस्ट देके श्रेयस को ला सकते हैं, उसको भी ट्राई आउट करना चाहिए। इंजरी से एकदम से आगे 3 दिन खेलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और देखो वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारा बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है केएल राहुल, तो हमें फुल फिट चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, थोड़ा देर से रियलाइज हुआ, लेकिन पता था यार अपने
बेस्ट है केएल भाई और जेंटलमैन भी अपने राहुल भाई। अगर सलमान को जब बॉल लगी तो सबसे पहले आए उसको हेल्प करने। बताओ ऐसे बंदे को तो तुम ट्रोल कर रहे थे अभी तक। इतना स्वीट और काइंड प्लेयर कहीं मिलेगा? ओपनिंग में खिलाओ चाहे मिडिल ऑर्डर में, कहीं भी खिला लो, चुपचाप खेल लेता है बंदा। अब ज्यादा तारीफ होगी केएल भाई, अगले मैच में संभाल लेना। और भाई राहुल आउट ऑफ सिलेबस आया, लेकिन मैंने बोला था विराट रन मारेगा, मुझे फुल भरोसा था। और श्रीलंका से आता है रोहित शर्मा, क्या खेला यार। विंटेज कोहली तो ठीक है, लेकिन विंटेज रोहित शर्मा दिखा मुझे डे वन पे इस मैच के। शर्मा जी की वही पुरानी आदत, शुरू के ओवर में 24 बॉल में सिर्फ 10 रन बनाए, और उसके बाद बंदा ऐसा मारना शुरू करता है कि मिड मैच में बॉलर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दे। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैच देखना, 56 रन मारे थे 49 बॉल्स में, लेकिन चौड़ ऐसी थी कि उसमें 48 रन तो बाउंड्रीज से आए हैं, और अगर 10 बॉल बाउंड्री के हटा दिए जाए तो भाई 8 रन मारे हैं शर्मा जी ने 38 बॉल्स में। ऐवे लोग मेहनत करते रहते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। हिटमैन आता है, एक एंड पकड़ता है और सिर्फ फील्डर्स को रनिंग करवाता है, और यही चाहिए हमें रोहित शर्मा से। साथ में शुभमन ने भी बहुत इंप्रेस कराया सेकंड मैच में, क्योंकि पहले मैच में तो बहुत डर डर के खेल रहा था। ससुर जी की एक बर्थडे विश और बंदे के तेवर ही बदल गए। बेचारे हारिस रॉफ को तो इतना मारा रोहित और शुभमन ने, अगले दिन बॉलिंग ही नहीं करने आया। बच गए हारिस भाई, क्योंकि इस बार कोहली जैसे फॉर्म में था, पिछली बार T20 करियर के लगे थे, इस बार ODI के लग जाते। और तुम मानोगे नहीं, मैंने कल एमए टेलीग्राम पे 8 बजे लिख दिया कि पाकिस्तान 128 पे ऑल आउट हो जाएगी, फीलिंग सी आ रही है। हो गया भाई, कैसे प्रेडिक्शन किंग को देख रहे हो? इसी बात पे सब्सक्राइब मारो। वैसे थैंक यू कुलदीप भाई, आपने मेरी इज्जत बचा ली। देखो यार, माना हम लोग चहल भाई को मिस कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप यार कभी कभी 2-3 बॉलर्स की विकेट एक साथ ले जाता है, तो लगता है कि सही है यार अपनी स्पिन। लेकिन इस मैच में सारी विकेट एक तरफ, और हार्दिक पांड्या की स्विंग बाबर को घर भेजती हुई जबरदस्त थी। वो बेचारे बाबर भाई ने साल भर प्रैक्टिस करी शमी सिराज और बुमराह के अगेंस्ट रन मारने की, लेकिन उस चक्कर में भूल गए कि हमारे पास सबसे यूनिक प्लेयर जो है हार्दिक भाई नहीं देखते नंबर 1 ODI बैट्समैन। केएल राहुल के साथ हार्दिक पांड्या को भी सॉरी बोलना पड़ेगा, 2 महीने से उसको भी ट्रोल बहुत किया भाई। और ये विकेट तो देखो आउट ऑफ सिलेबस थी हार्दिक के लिए भी यार, ऐसी अनबिलीवेबल बॉल थी। वही बुमराह को पापा बनने के लिए शाहीन ने गिफ्ट दिया था, तो बुमराह ने रिटर्न गिफ्ट में उनके सेकंड बेस्ट ODI बैट्समैन की विकेट पकड़ा दी। अपनी पेस बॉलिंग सही लगी भाई, बस थोड़ा सा स्पिन ने ओवर पार कर लिया, तो आई ऑल्सो वॉन्ट की और टेस्ट हो अपनी पेस बॉलिंग का। और देखो हाँ ठीक है, हम ये मैच जीत गए हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हैं, लेकिन एकदम भी उड़ना नहीं चाहिए अपने को। आगे के 2 मैचेस भी इंपॉर्टेंट है, आगे का फाइनल भी इंपॉर्टेंट है अगर हम क्वालिफाई होते हैं, और उसके बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, इस विन को हम फैंस को भी और टीम को भी कॉन्फिडेंस बूस्ट की तरह मान के चलना चाहिए, और बस होप करना चाहिए कि आगे भी इससे बेटर परफॉर्मेंसेस आती रहे, वरना हम एक अच्छा मैच जीतते हैं और उसके बाद इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आगे जाके हमें और दुख होता है जब हारते हैं। और मुझे पर्सनली ये भी लगा कि इंडिया तो अच्छा खेली है, लेकिन पाकिस्तान जेन्युइनली काफी खराब खेली इस मैच में। तुम देखोगे भाई, उनके हर बॉलर ने रन खाया और हर बैट्समैन ने हगा। आई थिंक पाकिस्तान की टीम को सबसे ज्यादा हाइप मिला था एशिया कप के लिए, और वो इस मैच में तो बिल्कुल नहीं दिखा। बट आई स्टिल थिंक की टीम अच्छी ही है, बस इस मैच में परफॉर्मेंस काफी लप्पू सी रही। मतलब तुम्हें दिख रहा था कि टीम मेंटली हार रही है, क्योंकि फील्डिंग में भी ये हग रहे थे। ओल्ड डेज आर बैक। अभी देखो इनके लिए नसीम और हारिस डाउटफुल है आगे के एशिया कप के लिए, तो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होने वाला है कि आगे ये लोग कैसे खेलेंगे। एंड कमेंट्स बताना कि तुम्हें क्या लगता है इसके बाद ये फाइनल क्वालिफाई कर पाएंगे। खैर आते हैं आज के मैच की तरफ। श्रीलंका के साथ मैच है, आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम 2 दिन खेल चुके हैं लगातार, ये 3रा दिन होगा, और श्रीलंका भी काफी अच्छी टीम है, एंड इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि टीम में थोड़े से चेंजेस होने चाहिए। जो प्लेयर्स बेंच पे है उनको भी ट्राई करना चाहिए वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए। आई नो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए अपना नेट रन रेट इतना अच्छा है कि अपना टास्क थोड़ा इजी हो गया है। यहाँ से अपने को 2 में से 1 मैच भी जीत देना तो भाई फाइनल्स में जा रहे हैं अपन। वैसे विराट कोहली ने 4 लगातार सेंचुरी मार दी है इस ग्राउंड पे, 5वीं आज आ सकती है शायद, कमेंट करके मुझे बताना। तो मिलते हैं आज के मैच के बाद, एंड चांसेस तो इसमें भी है थोड़े से बारिश के, बट आई बारिश तो मैं क्या बताऊं यार, वहां पर गेम हो गया। बारिश कह रही मेरे लिए भी एक सेशन रख दो और रिजर्व डे लेके चलो, मैं कभी भी आके ऐसे सरप्राइज कर सकती हूँ। भाई मैच बहुत जबरदस्त था, चारों खाने चित कर दिया पाकिस्तान को, और यही मैं कहूंगा कि तीनों डिपार्टमेंट अच्छे थे, फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। ये टिपिकल इंडिया पाकिस्तान मैच में जो कहते हैं ना कि इंडिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं, वही इंडिया ने बिल्कुल बहुत बढ़िया कर हर एक चीज में। भाई 4 प्लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीम को अच्छी स्टार्ट देने के लिए, उन्होंने स्टार्ट टू एंड कर दिया पूरा। वो भाई साहब गजब, चारों प्लेयर ने बहुत गजब किया, बॉलिंग बहुत अच्छी लगी है। आज देखते हैं क्या होता है, बाकी आपका पॉइंट भी शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।